नमस्कार, मैं असगर अली, आप देख रहे हैं थार मीडिया। आज हम खड़े हैं सादरा गांव में। हम यहां भाजपा प्रत्याशी बादू देवी, प्रतिनिधि गोवर्धन राम जी, इनके घर खड़े हैं और ये वार्ड नंबर 4 से भाजपा प्रत्याशी है और आने वाली 5 तारीख को मतदान होगा। और यहां वार्ड नंबर 4 में हिरेरा, सादेरा, दुलमेरा, हंसेरा, उद्देश्या, ऊंचाईड़ा, दुलमेरा स्टेशन आदि गाँव आते हैं। और इन्होंने लोगों से वादे किए हैं कि अगर मैं चुनाव जीता तो निश्चित तौर पर गाँव का विकास कराऊँगा। और इन्होंने जनता से बहुत सारे वादे किए हैं। तो मेरा पहला सवाल गोवर्धन राम जी से ही होगा कि अगर आप भाजपा प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 4 से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीते तो ऐसे कौन से मुख्य कार्य होंगे जो आप चुनाव जीतते ही सबसे पहले करवाने का काम करेंगे? सभी भाइयों को राम राम, युवा साथियों को राम राम, बुजुर्गों को प्रणाम। तो सबसे पहले मुख्य वादे हैं जैसे खेल मैदान खेल के क्षेत्र में मतलब PTI वैकेंसी है तो वो खेल के क्षेत्र से जाती है और मैं खुद BPED कर रहा हूँ अभी। तो खेल मैदान होना मतलब ज़रूरी है हर गांव में, और खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और खेलो इंडिया का ये मतलब मोदी जी ने ये चला रखा है एक ट्रेंड, तो गांव में मतलब खेल मैदान होना ज़रूरी है। तो उससे खेल के क्षेत्र में मतलब गाँव के युवा साथी मतलब खेलेंगे, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तक भी गाँव के जाते हैं। चूरू के प्रिया पूनिया खिलाड़ी है और कृष्णा पूनिया है और इंटरनेशनल खिलाड़ी है। तो खेल के क्षेत्र में एक अच्छा जुड़ाव गांव ग्रामीणों का है, कबड्डी है या जो भी खो खो क्रिकेट है। तो मेरा पहला लक्ष्य होगा कि दोनों पंचायत के जितने मतलब धीरेना पंचायत के दुलमेरा, सादेरा और धीरेना गांव है, सेरा पंचायत के उद्देश्या, ऊंचाईडा, सेरा और दुलमेरा स्टेशन है, तो 7 गांव में खेल मैदान सबसे पहले करवाने का कार्य करूँगा। और निश्चित तौर पर मतलब भाजपा के वार्ड बन रहा है, भाजपा के प्रधान बैठ रहे हैं, तो इन गांव में लोहकरण पंचायत समिति के सबसे ज़्यादा मतलब साथ इस वार्ड नंबर 4 के सभी गांव में विकास करवाने का मैं वादा करता हूं। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात कही है और कहा है कि अगर गांव में खेल मैदान बना, ट्रैक बने, तो निश्चित तौर पे जो युवा है, युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चुनावी माहौल चल रहा है तो बहुत सारे वादे कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है क्या कि आप जो वादे कर रहे हैं जीत के बाद उन पर खरे उतरेंगे? मैं अपने वादों पर कायम रहूँगा। मैं 2015-16 के छात्र संघ चुनाव में संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव लड़ा था और 5 संयुक्त सचिव 1154 मतों से भारी जीत हुई थी। युवा साथियों का सहयोग रहा था और उसी आशीर्वाद और सहयोग के साथ लोगों के मतलब जनता के साथ 5 साल जुड़ा रहा और कॉलेज में छात्र राजनीति में डूंगर महाविद्यालय में जुड़ा रहा। तो लोगों की सेवा की है तो इसी के आधार पर मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाए। जनता से जुड़ा होना या किसी भी समस्या के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलना मेरा 5 साल का मुख्य कारण रहा है। और आपको लगता है क्या कि अगर आप जीते तो जीत का प्लस पॉइंट क्या होगा? जीत का प्लस पॉइंट बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवा साथियों का स्नेह और प्यार है और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है तो हम चाहते हैं कि आप अपने समर्थकों से निवेदन करें कि आने वाली 5 तारीख को जब मतदान करने जाएं तो मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। हाँ, सही बात है। कोरोना महामारी का अभी तक कोई टीका या मतलब कोई ऐसी कोई वैक्सीन जारी नहीं हुई है जिससे कि इलाज हो सके। तो मैं क्षेत्र की जनता से निवेदन करता हूँ कि मास्क लगाकर ही मतदान करने जाएं और मास्क लगाकर ही रहें, 2 गज दूरी जरूरी रखें। तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे अक्सर हर प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से कई बार गलत टीका टिप्पणी होती है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे लेकिन भाईचारा कायम रहना चाहिए, इसलिए हम सबको साथ रहना है। तो सोशल मीडिया पे किसी भी तरह की गलत टीका टिप्पणी न करें, आप निवेदन करें। और सोशल मीडिया यूज जरूर करते हैं युवा साथी है, तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सोशल मीडिया से मतलब टीका टिप्पणी से दूर रहें और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के लिए फसल बीमा योजना है वो पूरे तहसील में या जिले में अकाल पड़ता था तो तभी आप फायदा मिलता था आम किसान। अब एक खेत में अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसका मतलब एक खेत को इकाई मान लिया गया मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने, और उसी के आधार पर मतलब कोई किसान हो तो उसका फायदा एक किसान को है। अगर किसान के नुकसान हुए, कोई बाढ़ आए या कोई किसी प्रकार की मतलब किसान के खेत में किसी प्रकार का संकट आ गए तो उसी के आधार पर उसी को भी फायदा फसल बीमा कंपनी देती है। ये थे गोवर्धन राम जी जो वार्ड नंबर 4 से भाजपा प्रतिनिधि है, प्रत्याशी के रूप में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन्हें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार जरूर कमल खिलाएगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, मास्क लगा के जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।